यूपी में अब और तेज हुई सपा और बीजेपी के बीच लड़ाई। इस जंग में अभी किसने किस पर बढ़त बनाई, मुद्दों की तलाश में बीजेपी। एक मुद्दा मिला तो सपा को लगी घेरने, लेकिन सपा सरेंडर करने को नहीं है तैयार। बीजेपी अब सपा के खिलाफ धारणा बनाने में लगी। बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ने के लिए सपा दो दो हाथ के मूड में। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी खत्म ही हुआ था कि यूपी में एक और लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में ही 2027 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ कमर कस ली है। जिस जातीय गोलबंदी से सपा ने बीजेपी को चारों खाने चित किया, अब उसी गोलबंदी को बीजेपी की ओर से तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन सपा भी इसका जवाब देने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर बैठी है। वैसे देखा जाए तो संगठन और रणनीति की गणित साधने के साथ ही भाजपा और सपा के बीच नैरेटिव वॉर भी तेज हो गया है। घटनाओं और मुद्दों के जरिए एक दूसरे को घेर खिसकी जमीन की भरपाई और नए सियासी समीकरण की बुआई में जुट गए हैं। अयोध्या की घटना पर सरकार भाजपा का आक्रामक रुख इसी का विस्तार माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। संख्या के साथ ही भाजपा की चिंता सपा ने अपने सियासी जनाधार का विस्तार कर बढ़ाई है। खासतौर पर गैर यादव, ओबीसी, अति पिछड़ों और दलितों में उसकी सेंधमारी ने भाजपा के साथ ही बसपा के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। इसीलिए 2027 के पहले सपा के इस पीडीएस समीकरण को ध्वस्त करने की कवायद तलाशी जा रही है। 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर लड़ा। मोदी लहर और सपा की तत्कालीन सरकार के कामकाज से उपजी स्थितियों में जनता ने भाजपा की लहर ला दी। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी का बुलडोजर मॉडल और मोदी का राशन ट्रंप कार्ड साबित हुआ। बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था भाजपा के चुनावी अभियान का केंद्र बना। सपा के कोर वोटर्स की अति सक्रियता भी भाजपा की काम आई। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश ने संविधान और आरक्षण के सवालों को हवा देकर पार्टी को लेकर बने नैरेटिव को तोड़ने का काम किया। इसका नतीजा भी मिला। विधानसभा चुनाव के पहले समर्थकों का जोश संकट न बने, इसलिए नतीजों के बाद से अखिलेश लगातार कार्यकर्ताओं, समर्थकों को संयत, सतर्क और साथ लेकर चलने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन हालिया घटनाओं ने भाजपा ने सपा को लेकर बनी पुरानी हवा को तेज करने का ताजा अभियान शुरू कर दिया। रामनगरी अयोध्या में जिस जीत के बाद सपा अवधेश प्रसाद को हर सियासी मंच पर ट्रॉफी की तरह पेश कर रही है, अयोध्या में एक अति पिछड़ी जाति की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना ने उनको घेरने का मुद्दा दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में खुद इस मुद्दे को उठाया और आरोपी सपा नेता पर कार्रवाई न किए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हरदोई में वकील की हत्या में भी सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की संलिप्तता के भी कागजात रखे। गोमती नगर में हुई छेड़छाड़ और अराजकता की घटना में कुछ खास नाम लिए गए, जिनकी पृष्ठभूमि सपा के कोर वोटरों से जुड़ती है। अयोध्या की पीड़िता के परिवार से सीएम खुद मिल चुके हैं। सरकार के मंत्री, सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया सहित कई चेहरे पीड़िता के घर भी पहुंचे। आरोपी के वर्ग विशेष से होने के चलते और सपा का स्टैंड जांच तक ही सीमित रहने के चलते भाजपा को घेरने का और मौका मिल गया। इन घटनाओं पर सख्त एक्शन के साथ ही सपा पर हमलावर होकर सरकार संगठन की रणनीति जनता के मानस पर वो तस्वीर खींचने की है जो 2017 के पहले बनी हुई थी। अति पिछड़े, दलितों के साथ ही महिलाओं के बीच यह संदेश ठीक से पहुंचा तो पीडीए का तिलस्म तोड़ना आसान हो जाएगा। लोकसभा में शानदार जीत और वोट बेस में विस्तार से उत्साहित सपा ने दूसरी और नए वोटर्स के आधार पर यह विस्तार पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर भाजपा ने ब्राह्मण वोटों को जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई। ब्राह्मण बहुल सीटों पर मिली सफलता ने भी उसकी उम्मीदें बढ़ाई। इसीलिए चेहरे के चुनाव के साथ ही घटनाओं में भी इस एंगल को उभारा जा रहा। हाल में बंथरा में हुई घटना में जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर पार्टी नेताओं ने सरकार और स्थानीय चेहरों को घेरा, ये इसकी वानगी है। गोरखपुर में ब्राह्मण चेहरे रहे हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए चबूतरे तोड़े जाने को भी सपा मुद्दा बना रही। सोशल मीडिया से सदन तक इसको लेकर सपा ने सवाल खड़े किए हैं।